महामुकाबले से पहले क्यों रो रहे हैं सीएसके के फैंस। अपने ही स्टाइल में धोनी ने लिया बड़ा फैसला, बीसीसीआई भी रह गई दंग। एक तस्वीर आई जिसने पूरे सोशल मीडिया पर मचाई तबाही, धोनी के फैंस का हो गया रो रो कर बुरा हाल। किसके दबाव में धोनी ले रहे आईपीएल से संन्यास, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कुछ ही घंटे बाद चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके के बीच महामुकाबला खेला जाना है। इस महामुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही है। इस महामुकाबले से 24 घंटे पहले ही धोनी के एक फैसले ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो जोर का झटका दिया है। मैच से पहले ही एक तस्वीर को देखने के बाद धोनी के लाखों फैंस का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बिना किसी को बताए धोनी ने आईपीएल 2024 से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। धोनी के इस फैसले से विराट कोहली भी दंग रह गए हैं, तो वहीं पर बीसीसीआई को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर धोनी ने अचानक से आईपीएल से संन्यास क्यों ले लिया है। ना कोई बयान ना ऐलान, जज्बातों से भरा कोई गीत भी इस बार नहीं आया, बस एक तस्वीर आई और कहानी बदल चुकी थी। सब कुछ तो धोनी के ट्रेडमार्क स्टाइल में ही तो हुआ। जिस तरह टेस्ट की कप्तानी छोड़ने से लेकर रिटायरमेंट तक हुआ था, हैरान तो हुए लोग, लेकिन अगर हैरान न कर दे तो फिर महेंद्र सिंह धोनी कैसे। कहां तो फैंस आशा लगाए बैठे थे कि थाला सीएसके को एक और खिताब दिलाएंगे, लेकिन थाला के मन में क्या है इसका अंदाज अगर लगाना इतना ज्यादा आसान होता तो हर कोई धोनी नहीं हो जाता। साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन के लिए जब खिलाड़ियों की बोली लगी तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। तब से अब तक हर सीजन में कई खिलाड़ी महंगे बिके, लेकिन कोई धोनी की परछाई भी नहीं बन पाया। वहीं सीजन दर सीजन महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को वो बना डाला जिसके लिए सिर्फ एक शब्द हो सकता है, बेशकीमती। पहले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कप्तान बने, बीच में 2 साल के लिए सीएसके सस्पेंड भी हो गई थी, लेकिन जब लौटी तो मालिकों ने कप्तानी फिर से माही को ही सौंपी, यह भरोसा ही तो था। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताई। लग रहा था कि तैयारी एक बार फिर से टीम चेन्नई को ट्रॉफी जिताने की है। लंबे बालों के साथ अंदाज भी बदल लिया गया था। विंटेज धोनी की फील हर तरफ महसूस की जा रही थी। फैंस सोच रहे थे कि शायद माही अपने सदाबहार अंदाज में कप्तानी को अलविदा कहना चाहते हों, लेकिन फैंस भूल गए कि रोल बदलने का इशारा तो किया जा चुका था। पर्दा उठने के लिए लोग आईपीएल के पहले मैच का इंतजार कर रहे थे, लेकिन धोनी ने उससे पहले ही पर्दा उठा दिया। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन सच यह भी है कि वह इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। उनके फैंस भी अब सेलिब्रेट करने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करते कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या हासिल किया। फैंस के लिए अब माही की मौजूदगी ही सेलिब्रेशन है। कप्तान न सही, लेकिन बतौर खिलाड़ी वह मैदान में मौजूद रहेंगे। सीएसके के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कप्तानी सौंप दी गई है। दोस्तों, आप लोगों को आईपीएल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ ही सीएसके की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 1 साल पहले रविंद्र जडेजा को भी सीएसके की कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर रविंद्र जडेजा की कप्तानी में सीएसके हर मैच हार रही थी और धोनी ने दोबारा से कप्तान सीएसके के बन गए थे। लेकिन एक बार फिर से सीएसके का कप्तान बदल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया गया है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ धोनी की तरह कप्तानी कर पाएंगे? क्या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके भी आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा।